दोस्तों, जीडीपी के सबसे ताजे आंकड़ों ने साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक सोच के दिवालियेपन का नतीजा है कि जीडीपी की सेकंड क्वार्टर की ग्रोथ 6 साल में सबसे कम होकर 4.5% पर रह गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए जीडीपी के मायने अब बन गए हैं गॉड से डिवाइसिव पॉलिटिक्स, जिसकी ग्रोथ लगातार बढ़ रही है और इसीलिए लगता है कि वो खुशियां मना रहे हैं। पर जीडीपी गॉड से डिवाइसिव पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। जीडीपी इस देश के किसान, इस देश के नौजवान, इस देश के दुकानदार और व्यापारी की तरक्की का मापदंड है, जिस पर ये सरकार औंधे मुंह गिरी है। इकोनॉमिक रिसेशन ने इस देश को धीरे धीरे, मंदी की मार ने इस देश को धीरे धीरे, डूबते हुए व्यापार ने इस देश को धीरे धीरे, जाते रोजगार ने इस देश को धीरे धीरे आज बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। और उसके लिए अगर कोई जुम्मेवार है तो वो मोदी सरकार है। समय आ गया है कि अब इन ताजे आंकड़ों के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं सामने आए और फेल्ड मोदी नॉमिक्स और पकोड़ा नॉमिक्स जो वो इस देश को बेचते रहे हैं 6 साल पे, उस पर अपना स्पष्टीकरण भी दें और देश को आगे का रास्ता भी बताएं। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत। लगातार सरकार कहती रही पहले कहा कि पेशेंस रखनी चाहिए अपोजिशन को, 2 दिन पहले का ये बयान है, पेशेंस रखनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक जो आंकड़े हैं उनके ऊपर इतना हायतौबा नहीं करने चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर स्टेटमेंट दैट देर इज ए स्वेयर डिक्लाइन इन इकोनॉमी ऑन ऑल फ्रंट्स बट देर इज नो इकोनॉमिक रिसेशन इज लाइक सेइंग पेशेंट हैज बीन सेव्ड बट पेशेंट इज इन ए अनएंडिंग कोमा, इकोनॉमी हैज बीन पुश्ड इन ए कोमा बाय द भारतीय जनता पार्टी, प्राइम मिनिस्टर एंड द फाइनेंस मिनिस्टर, दे ओ एन एक्सप्लेनेशन टू द नेशन whether GDP for them means gross domestic product or for them it means God say divisive politics. For everything cannot be settled by dividing the people of India. At the end of the day, you need growth, you need jobs, you need agrarian output and the right MSP, you need growth of trade, you need growth of manufacturing, you need private and public investment, all of which are missing from the government's agenda. सरकार की पॉलिसी में कमी रह गई। और सर, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भी मोदी में कहा था सब चंगा सी, तो क्या आप लगता है आपको कि सर अब सब चीज ठीक है? जब अर्थव्यवस्था का बंटाधार हो गया है और जब जीडीपी भाजपा के लिए गॉड से डिवाइसिव पॉलिटिक्स बन गया है, तो क्या आज भी मोदी जी कहेंगे सब चंगा सी? सच बात है, सब मंदा सी, ये इस देश की सच्चाई है। 7.5% से 4.5% जीडीपी की ग्रोथ आ जाना दर्शाता है कि देश में नौजवानों के लिए रोजगार नहीं, किसान के लिए फसल की कीमत नहीं, व्यापार नहीं, निर्यात नहीं, किसी प्रकार का नया उद्योग और धंधा नहीं, खपत जो है वो आज पिछले 30 साल में सबसे औंधे मुंह पर है, इन्वेस्टमेंट 16 साल में सबसे निचले पायदान पर है, कोर सेक्टर ग्रोथ 8 साल में सबसे निचले पायदान पर है। आज पूरा देश और देश के लोग गरीबी के एक ऐसे संकट में फंस गए हैं जिससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, पर मोदी सरकार है कि मानती ही नहीं। ये कैसी सरकार है? सो द जीडीपी इज एट अ 6-year low, व्हाइल व्हेनेवर द गवर्नमेंट इज आस्क्ड अबाउट दिस दे से दैट दे आर डूइंग व्हाट दे कैन, दे आर कटिंग डाउन द कॉर्पोरेट टैक्सेस और दे आर टेकिंग द स्टेप्स, बट इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन द जीडीपी डेटा सर। व्हाट एग्जैक्टली द गवर्नमेंट शुड डू नाउ, बिकॉज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट इज स्टिल अवेटेड सर। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज एट एन ऑल टाइम लो, ए मेजर ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड स्परिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज एट एन ऑल टाइम लो, manufacturing is down, core sector growth is down, public consumption is down, rural consumption is spiraling downwards, unemployment rate is at a 45-year high,
yet the government feels everything is okay. सब कुछ ठीक ठाक नहीं है मोदी जी, सब कुछ गलत है, और वो इसलिए है कि सरकार की आर्थिक नीतियों का दिवालेपन ने देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया है। जब तक ये सरकार अपनी विभाजनकारी नीतियों को छोड़कर देश की अर्थव्यवस्था पर सार्थक ध्यान नहीं देगी, तब तक सुधार नहीं आएगा। केवल 1,45,000 करोड़ के टैक्स छूट बड़ी बड़ी कंपनियों को देने से देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधर जाएगी, क्योंकि भाजपा और मोदी जी को जानना चाहिए कि ये देश, इस देश के 125 करोड़ लोगों से जीवंत है, ना कि मुट्ठी भर उद्योगपतियों से जिनके मुनाफे के लिए ये सरकार काम कर रही है। Just day before yesterday in Rajya Sabha, the government tried to explain slowdown by saying that the top economies of the world like US and China are also facing slowdown. This is a global phenomena and India cannot remain immune to this. This is an explanation of a student who has got 0 marks in the paper. For the student failed to deliver to write a single question as the classes were not attended. My friend, Bharatiya Janata Party and its ministers have been mocking the people of India, as also every sane economist who's pointed out the fundamental flaws that has led to economic recession. One honorable minister, Ravi Shankar Prasad ji, proceeds to say because Salman Khan's films are doing well, economy is okay. Another honorable minister, commerce minister Piyush Goyal ji, talks about Einstein's theories to say that no need to rely upon data of the economic indicators. And the third minister, the finance minister Nirmala ji, says, well, economy is on a downward spiral, but there is no economic recession. Do they think that people of India, do they question their judgment and ability? The truth is that it's the bankruptcy of economic vision of the Bharatiya Janata Party that has led to the current state of economic recession in India. How will you address it and correct it is now for the government to answer. रणदीप जी, हिंदी में भी ये बता दीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय कारण एक तो सरकार बता रही है और दूसरा जो मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, वो सीधे तौर पर कह रही है कि मंदी की हालत नहीं है अभी। मंदी और तालाबंदी मोदी सरकार की पहचान बन गए हैं, और बजाय उसका उपाय ढूंढने के और हल करने के, मोदी सरकार के मंत्री देश की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि सलमान खान की पिक्चरें ठीक चल रही हैं, इसलिए अर्थव्यवस्था सही है। एक और मंत्री पीयूष कुमार गोयल जी, वो आइंस्टाइन की थ्योरी का हवाला करके कहते हैं कि आप अखबार मत पढ़िए और ये जो सारे आंकड़े हैं ये सब गलत हैं। वित्त मंत्री जी कहती हैं कि भयंकर मंदी है पर इकोनॉमिक रिसेशन नहीं है। क्या वो ये समझते हैं कि देश की जनता बेवकूफ़ है? आज सच्चाई ये है कि इस देश में ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी गरीब हो, वो सब मंदी और तालाबंदी की मार से जूझ रहे हैं। छोटा छोटा दुकानदार और व्यापारी लुट रहा है और सरकार खड़े खड़े तमाशा देख रही है। केवल मुट्ठी भर उद्योगपतियों को 1,45,000 करोड़ का टैक्स मुनाफा देखकर मोदी जी कह रहे हैं सब चंगा सी। मोदी जी, सच्चाई ये है कि सब मंदा सी। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों पर इसे मत टालिए, क्योंकि ये नाकामयाबी आपके अपने बैंकरप्सी ऑफ इकोनॉमिक विजन, यानी आपकी आर्थिक सोच के दिवालियेपन की वजह से है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार हुआ है। धन्यवाद। जीडीपी को नया नाम दिया, गॉडसे डिवाइसिव पॉलिटिक्स। इस बीच बीजेपी के एक सांसद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नोटिस लेके आए हैं, और इस बीच ये भी जो है जानकारी मिल रही है कि प्रज्ञा ठाकुर भी मूव करने वाली है। क्या कहेंगे आप? आए दिन महात्मा गांधी के बारे में, राष्ट्रपिता के बारे में अपशब्द कहना और बाद में माफी मांग लेना भाजपा का चाल चेहरा चरित्र है। मैं देश को याद करवाऊं, इन्हीं प्रज्ञा ठाकुर जी ने हेमंत करकरे जी, जो 26/11 के शहीद थे, और महात्मा गांधी जी, उनके बारे में ऐसे ही अपशब्द पहले भी कहे थे। माफी मंगवाई, मोदी जी ने फिर टिकट दी और उन्हें रक्षा संसदीय कमेटी का सदस्य बना दिया। आज फिर माफी मांगने का फिर स्वांग रच दिया। इसी प्रकार से एक और भाजपा के सांसद ने
जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, उन्होंने भी बापू के बारे में इसी प्रकार के अपशब्द संसद के बीच कहे थे। कल ही उनके एक और उत्तर प्रदेश के विधायक ने महात्मा गांधी को इसी प्रकार से गाली दी। क्या भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा और चरित्र भी ये बन गया है कि वो आए दिन किसी न किसी विधायक, सांसद और नेता से राष्ट्रपिता के बारे में अपशब्द कहलवाएंगे और बाद में उनसे माफी मंगवाएंगे और फिर एक नया आदमी इसी प्रकार की विभाजनकारी राजनीति करेगा। इसीलिए लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की बजाय GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बजाय अब लगता है कि GDP के आंकड़े भाजपा के लिए गॉड से डिवाइसिव पॉलिटिक्स हो गए हैं। धन्यवाद।